स्टूडेंट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए मैं थर्मोडायनेमिक्स का नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है फ्यूल सप्लाई ऑफ पेट्रोल इंजन, फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ पेट्रोल इंजन। इसमें हम पढ़ेंगे मतलब कि क्या कौन कौन से फ्यूल, मतलब कैसे फ्यूल सप्लाई होता है हमारे सिलेंडर के अंदर, फ्यूल पंप कौन सा होता है, कैसे यूज करते हैं, उसके वर्किंग क्या होता है, कंस्ट्रक्शन देखेंगे उसके, ठीक है। उसके बाद हमारे कार्बोरेशन, ये सब हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो, देखिए। तो देखिए सबसे पहले आते हैं फ्यूल सप्लाई और सप्लाई सिस्टम में कि पेट्रोल इंजन में फ्यूल कब जाता है, कौन से स्ट्रोक में जाता है, कैसे कहाँ पर जाता है। तो सबसे पहले फ्यूल जो हमारा होता है सक्शन स्ट्रोक, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक में हमारा फ्यूल पेट्रोल इंजन के अंदर एंटर करता है। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, हमारी जो सिलेंडर होती है वो खाली होती है, जब पिस्टन हमारा नीचे जा रहा होता है, सेक्शन स्ट्रोक पिस्टन नीचे जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे हाई प्रेशर सिलेंडर के अंदर क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर वैक्यूम के कारण हाई प्रेशर क्रिएट होता है और बाहर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर होता है। तो हमारा जो फ्यूल वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है और हमारा चार्ज जिसे कहते हैं कि फ्यूल और एयर का मिक्सचर, और फ्यूल एयर मिक्सचर जो हमारे होते हैं गाइस वो 15:1 के रेशियो में होता है। 15:1 जो रेशियो होता है वो एक मतलब कि 15:1 फ्यूल चार्ज होता है, फ्यूल चार्ज की रेशियो होती है फिक्स, मतलब कि एक रेगुलर फ्यूल चार्ज की रेशियो हमारी होती है 15:1। और जैसे हम कभी रेशियो हमारे इंक्रीज डिक्रीज भी करता है, कब इंक्रीज डिक्रीज करता है, जब हमारे मतलब कि कभी एक्सेलरेशन ज़्यादा करना हो गाड़ी को, एक्सेलरेशन मतलब फोर स्ट्रोक, जैसे हमारे फोर्थ गियर में चलाते हैं गाड़ी को तभी मतलब स्टार्टिंग में, तो हर समय क्या होता है फ्यूल का रेशियो कभी कम ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारी जो रेगुलर होती है वो 15:1 होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि सक्शन स्ट्रोक में क्या करता है, वो फ्यूल हमारे अंदर जाता है पेट्रोल इंजन के अंदर, पेट्रोल इंजन उसमें सक्शन स्ट्रोक में जाते हैं। तो फ्यूल जाने की जो प्रक्रिया से पहले जो हमारे वाल्व ओपन होते हैं उससे पहले भी कुछ और फंक्शन होते हैं हमारे, जो फ्यूल कैसे एक प्योर फ्यूल जाए और एक प्रॉपर मिक्सचर में जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम पढ़ते हैं। तो देखिए अब वो हमारी सिलेंडर में फ्यूल जाने से पहले कितनी चीज़ों से गुजर के जाता है। देखिए सबसे पहले फ्यूल टैंक है हमारे पास, फ्यूल टैंक हमारा फ्यूल होता है, उसके बाद क्या करता है फ्यूल पंप के पास जाता है, फ्यूल पंप क्या करता है उसे एक प्रेशर देके ऊपर धक्का मारता है, तो उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाता है फ्यूल फिल्टर में। फ्यूल फिल्टर क्या करता है जितने भी मतलब कि इन रिलेवेंट जितने भी सब्सटेंस है उसमें फ्यूल में, कुछ भी डस्ट वस्ट कुछ भी हो तो उसे क्या करेंगे हटा देंगे हमारे फ्यूल को, प्योर फ्यूल को हमारे किसमें कार्बोरेटर में भेजता है। कार्बोरेटर यहाँ पर मेन फंक्शन रोल प्ले करता है। कार्बोरेटर क्या करता है गाइस कि हमारे जितने भी फ्यूल होते हैं, जितने भी फ्यूल है उसमें एक मिक्सचर जो एयर और फ्यूल के मिक्सचर जो प्रोवाइड करता है हमारा कार्बोरेटर प्रोवाइड करता है। कार्बोरेटर में क्या होता है हमारे फ्यूल टैंक के थ्रू आ गया, अब फ्यूल टैंक के थ्रू कार्बोरेटर में फ्यूल आ गया, उसके जो होता है एक माउथ ओपन होता है एयर के लिए, तो एयर भी आया, तो फ्यूल और एयर को दोनों का मिक्स कर देता है, एक चार्ज बनाता है, इसी को हम चार्ज कहते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर को हम चार्ज कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है हमारा इंडक्शन मैनिफोल्ड जो हमारे सिलेंडर के पास पहुंचता है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ पेट्रोल इंजन का कुछ ये स्टेप था जब हमें सिलेंडर से पहले जाने में। तो देखिए आज मैं डिफाइन करने वाला हूँ फ्यूल पंप, फ्यूल पंप मैंने यहाँ बना रखा है, तो ये कैसे वर्क करता है हम हर चीज़ डिफाइन करेंगे। इससे पहले मैं बता दूँ कि हमारे पास फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो पेट्रोल इंजन में वर्क करता है एक दो चीज़ में करता है, एक होता है ग्रेविटी एक होता है फोर्स, मतलब एक प्रेशर सिस्टम, एक होता है ग्रेविटी सिस्टम एक होता है प्रेशर सिस्टम। तो जो हमारे बाइक होते हैं उसमें ग्रेविटी सिस्टम पे वर्क करता है, तो जहाँ पे ग्रेविटी सिस्टम पे हमारे फ्यूल सप्लाई सिस्टम वर्क करता है वहाँ पे हम फ्यूल पंप नहीं लगाते, क्योंकि उसमें क्या होता है ग्रेविटी के थ्रू बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी हमारा क्या होता है एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो ग्रेविटी के थ्रू हमारे कार्बोरेटर के पास पहुंच जाता है, और कार्बोरेटर जो भी होता है ऊपर ही होता है हमारे इंजन से, इंजन क्या होता है नीचे होता है, जैसे कि हमारे ये सारे प्रोसेस ऊपर होंगे और इंजन हमारा यहाँ पे होगा सिलेंडर, तो ये फ्यूल ऐसा सिलेंडर में आ सकता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी सिस्टम। और यही हो जाता है ये हमारे बाइक वाइक में देख लेंगे आप, बाइक वाइक में मिल जाएगा आपको ये ग्रेविटी सिस्टम होता है बाइक में। अब आते हैं प्रेशर सिस्टम, प्रेशर सिस्टम हमारा जब होता है कि जब कार वार होता है ना, कार में क्या होता है हमारे जो फ्यूल होते हैं वो पीछे होती है फ्यूल टैंक, और इंजन जो होती है हमारी सामने होती है, तो उसके लिए एक प्रेशर चाहिए, तो उसमें हम पंप लगाते हैं फ्यूल पंप, ठीक है। अब ये फ्यूल पंप हमारे कार वार में मिलते हैं, तो कार में फ्यूल पंप हमारे कैसे वर्क करता है मैं आज भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया फ्यूल सिस्टम। अब आते हैं फ्यूल पंप अच्छे से पढ़ते हैं। तो फ्यूल पंप में देखिए क्या होता है, ये हमारे कैमशाफ्ट होते हैं, कैमशाफ्ट और फॉलोअर्स, यहाँ तो फॉलोअर्स को हमने क्या नाम दे दिया, ऑपरेटिंग आर्म्स दिए हैं। तो फॉलोअर जो होता है एक रोटेशन मूवमेंट मिलने के कारण, रोटेशन जब मिल जाती है इन्हें, जो रोटेशन इसे फॉलो, देखिए ये रोटेट करेगा तो ये क्या होगा अपडाउन है, ऐसे अपडाउन होगा, क्योंकि ये देखिए इस एक्सिस पर रोटेट करेगा, तो कभी इसकी डायमीटर यहाँ पर बड़ी है तो ये वाली ऐसे वापस आके यहाँ पर छोटी हो जाएगी, तो ये वाली जो हमारी ऑपरेटिंग आर्म्स है वो यहाँ पर आ जाएगी, एक टाइम पर हमारे यहाँ पर होगी ये ऑपरेटिंग आर्म्स, ठीक है, यहाँ पहुँच गया ऑपरेटिंग आर्म्स, तो ये क्या होगा अप डाउन हो गया।
तो अप डाउन होने के कारण यहाँ पर देखिए पाइवोटेड है। पाइवोटेड मतलब होता है कि वहाँ पर दो ज्वाइंट हो वहाँ पर वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पाइवोटेड होगा, यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग है, तो ये क्या होगा, पाइवोटेड होगा तो हमारा ये भी अप डाउन हो जाएगा, ये वाली डायफ्राम लीवर जो, इसे डायफ्राम लीवर कहते हैं, तो ये भी अप डाउन हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ यहाँ पर, क्योंकि इसे मोशन मिल गया तो ये भी अप डाउन करने लगेगा। अब देखिए ये अप तो देखिए ये नीचे तो ये नीचे आएगा तो इसे कौन खींच लेगा, स्प्रिंग अपने तरफ खींच लेगा, फिर इसे कौन कैमशाफ्ट रोटेट करने के बाद इसे ऊपर भेज देगा, क्योंकि स्प्रिंग भी यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ फिर से, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे जब जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो स्प्रिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऊपर आ गया, जब फिर वो क्या करेगा, स्प्रिंग फिर रिफ्लेक्स और वो स्प्रिंग क्या करेगी हमारे, रिलैक्स और कांटेक्ट करेगी, ठीक है, रिलैक्स कांटेक्ट स्प्रिंग कर देगा और कैमशाफ्ट भी हेल्प करेगा, तो ये क्या एक मोशन में आ जाएगी, ऐसे ऐसे अप डाउन होगी, जैसे ये हमारा पाइवोटेड अप डाउन ऐसे ऐसे होगी। तो जब अप डाउन होगा ये हमारा डायफ्राम लीवर हमारा जब अप डाउन होगा, तो देखिए इससे हमारा क्या कनेक्ट है, ये हमारा डायफ्राम स्प्रिंग है, यहाँ पर भी स्प्रिंग लगा हुआ है, और उसके साथ हमारा फ्लेक्सिबल डायफ्राम लगा हुआ है, ठीक है, और ये सारा चीज़ बंद है, एक चैम्बर है, फ्लेक्सिबल डायफ्राम यहाँ पर लगा हुआ है हमारा, और ये हमारा बना होता है, देखिए अब इसकी बॉडी में डिफाइन करता हूँ क्या है, ये जो हमारा बना होता है ये कास्ट स्टील या कास्ट आयरन से बना होता है, ठीक है, कास्ट स्टील या कास्ट आयरन से हमारी ये बॉडी बनी होती है, और डायफ्राम जो होता है हमारा रबर से बना होता है, डायफ्राम जो हमारा होता है रबर से बना होता है, या ये कोई फ्लेक्सिबल मटेरियल प्लास्टिक से बना सकते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो तो रबर या एक फ्लेक्सिबल मटेरियल हो, तो ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल डायफ्राम है, तो इसमें क्या होता है, जब गाइस ये नीचे आता है तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट वैक्यूम क्रिएट करता है, वैक्यूम, तो प्रेशर क्रिएट करने से यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर हो जाता है, अब बाहर क्या यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो गया, अब ये वैक्यूम क्रिएट हुआ तो देखिए यहाँ पे ये वाली ये हमारी फ्यूल आउटलेट वाल्व है, ये हमारी फ्यूल इनलेट वाल्व है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे भी स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये देखिए ये हमारा नीचे की तरफ है इसकी जो इसकी देखिए ये हमारे कुछ इस स्टेप में है, यहाँ पे है तो कुछ इस स्टेप में, तो जब प्रेशर लगेगा, जब कोई चीज़ इसे मतलब कि हर चीज़ नीचे खींचना चाहेगी तो ये तो खुलेगा नहीं, ये तो और नीचे और अच्छे से बंद हो जाएगा, यहाँ तो लीक मतलब बंद अच्छे से हो जाएगा, ध्यान समझिए, जब इसे हम खींचेंगे पकड़, मतलब यहाँ पे कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो मतलब वो बाहर से कुछ चीज़ को अपने अंदर खींचना चाहेगा, जो बंद चैम्बर है हर चीज़ का, तो कहाँ कहाँ पर हमें कुछ खुले हुए चीज़ दिख रही है, यहाँ पे एक हमें देखिए फ्यूल आउटलेट वाल्व में तो यहाँ से भी लीक हो सकते थे, और एक यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं ये डिफाइन करता हूँ, जब देखिए यहाँ पे ऐसे हमारा वाल्व, तो ये खींचना चाहेगा तो ये खींच भी जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ये आराम से पूरा क्लोज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ से तो फ्यूल हमें मिलेगी नहीं, तो हमें फ्यूल यहाँ से मिलती है फ्यूल इनलेट वाल्व से, फ्यूल इनलेट वाल्व में क्या डिज़ाइन करते हैं कि हमारा जो ये पार्ट है इसे हम ऐसे रखते हैं, अब देखिए जब प्रेशर लगेगा तो हमारे जो ये वाल्व है, ये वाली ये जो ये बात कर रहा हूँ, ये तो सरफेस है, ये वाल्व है, तो वाल्व हमें खींचेंगे तो फिर क्या होगा, खुल जाएगा यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट हमारे खुल जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, फ्यूल हमारे अंदर और एक प्रेशराइज फ्यूल हमारे मतलब प्रेशर के कारण फ्यूल हमारे क्या होगा, ये इसके अंदर भर जाएंगे, ये हमारे जो टैंक खाली है इसमें भर जाएगा फ्यूल, अब इसमें फ्यूल भरने के बाद क्या होगा, जब डायफ्राम नीचे आया तो फ्यूल क्या होगा, भर गया, डायफ्राम नीचे आया तो प्रेशर वैक्यूम क्रिएट हुआ, फ्यूल हमारे नीचे आ गया, डायफ्राम देखिए फिर से बोलो, डायफ्राम हमारे नीचे आया, नीचे जब हमारे ये डायफ्राम लीवर नीचे आया तो उसके स्प्रिंग के साथ साथ ये भी इसे नीचे लाया, नीचे आने के कारण हमारे यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, वैक्यूम क्रिएट करने से कारण यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ था तो हमारी ये इनलेट वाल्व जो खुल गया, फ्यूल इनलेट वाल्व खुल गया, खुलने के कारण हमारे क्या फ्यूल आ गई हमारी टैंक के अंदर, यहाँ पे ये जो खाली जगह यहाँ पूरी फ्यूल से भर गई। अब देखिए यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, अब तो एक बार इसने लीवर तो नीचे खींच लिया, अब लीवर के पास इतनी पावर नहीं कि हर खींच के ही रखे इसे, तो क्योंकि यहाँ पे भी अप डाउन रहती है, अप डाउन ऊपर जाएगा, और यहाँ स्प्रिंग लगा वो भी अपना प्रेशर लगा के ऊपर आने का, तो डायफ्राम क्या होगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या होगा, अब ये प्रेशर ऐसे बाहर फेंकना चाहेगा, तो ये वाले देखिए ये वाले तो सिस्टम ऐसे है, जब ये बाहर फेंकना चाहेगा तो ये ऊपर जाएगा फिर टोटली क्लोज हो जाएगा, इनलेट वाल्व तो पूरा क्लोज हो जाएगा, अब जाने की रास्ता बची एक, जो यहाँ पे क्लोज हो रही थी आते समय, तो यहाँ पे जब प्रेशर जाएगा यहाँ पे प्रेशर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ये भी स्प्रिंग है, ऊपर उठने के कारण क्या होगा, फ्यूल यहाँ से एग्जिट फ्यूल इसमें आ जाएगा और प्रेशराइज फ्यूल हमारे बाहर निकल जाएगी, एक फुल प्रेशर वाली फ्यूल हमारी बाहर निकल जाएगी, ये हमारी फ्यूल टू कार्बोरेटर, ये इस थ्रू हमारी क्या होती है, कार्बोरेटर के पास फ्यूल पहुँच जाता है। अब फिर से बता दे रहा हूँ, जब ये देखिए डायफ्राम नीचे जाएगा तो ये वाली हमारी वाल्व खुल जाएगी, इस वाली वाल्व के खुलने के कारण हमारी फ्यूल इसके अंदर आ जाएंगे, और जब डायफ्राम ऊपर जाएगा रिलैक्स होगा, कांटेक्ट हुआ तो आ गया, रिलैक्स हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रेशर करेंगे क्योंकि ये तो बंद ही जाएगी टोटली, इसी में प्रेशर डाल, यहाँ पे भी प्रेशर आएगा लेकिन ये टोटली बंद हो जाएगा, फ्यूल एक भी फ्यूल यहाँ पे एक मतलब
एक मिलीग्राम फ्यूल भी यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये टोटली क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये टोटली ऊपर से प्रेशर मारेंगे तो क्या पूरा क्लोज हो जाएगा, एकदम ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फ्यूल निकलने के तो चांस है ही नहीं। तो ये वाले डिज़ाइन जो यहाँ पर जो हमारी वाल्व है, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, और ये ओपन होने का तो यहाँ से हमारी फ्यूल एग्जिट कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये था हमारा कुछ डायफ्राम का। अब डायफ्राम का देखिए क्या होता है, ये ऑपरेटिंग हम ये हर चीज़ देख लें, ये कैम शाफ्ट है हमारा, ठीक है गाइस। तो ये हमारे फ्यूल पंप जो है इस प्रोसेस से वर्क करता है, बहुत सारे टाइप के आते हैं, सब में यही प्रोसेस होता है, सब में कॉमन प्रोसेस यही है, ठीक है। तो ये हमारे फ्यूल पंप था। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूल एयर फ्यूल रेशियो कितने होते हैं, क्या मतलब कब एक्सेलरेशन गाड़ी कैसे चलेगी, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपके आते रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। जय हिंद, जय भारत।